देश का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 25,000 में घर ले आए, एवॉन ई प्लस। ईंधन के भाव आसमान छू रहे हैं, इसलिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ महीनों में देश के बाजार में कई शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुए हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ती डिमांड को ध्यान में रखकर कई सारे वाहन निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट में लॉन्च कर रही हैं। मार्केट में कई सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो एक से बढ़कर एक शानदार सेफ्टी फीचर्स और सुविधाओं के साथ आते हैं। अगर आप भी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए इवॉन ई प्लस कम बजट में सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसे आप चार्जिंग खत्म होने के बाद भी चला सकते हैं। इवॉन ई प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इवॉन कंपनी द्वारा भारतीय मार्केट में पेश किया गया। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 48 वोल्ट 12 AH की लिथियम आयन बैटरी के साथ आता है। साथ ही साथ इवॉन ई प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 220 वोल्ट की मोटर को जोड़ा गया है, जो BLDC तकनीक पर आधारित है। कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 50 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। स्कूटर को फुल चार्ज करने के लिए 4 से 8 घंटे लगते हैं। ये आपके कम दूरी के छोटे छोटे काम करने में मदद कर सकता है। A1 E प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट व्हील में ड्रम ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक है। इसमें डिजिटल ऑटोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, USB पोर्ट, पुश स्टार्ट, LED लाइट जैसे फीचर भी मिलते हैं।